कैंसर एक ऐसा खतरनाक शब्द जिसे सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। कैंसर दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, लेकिन यह धारणा भी सही नहीं है कि कैंसर ठीक नहीं होता। कैंसर का इलाज मेडिकल साइंस में है और समय रहते अगर कैंसर पीड़ित को इलाज मिल जाए तो उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं भी काफी हैं। ऐसे में कैंसर से डरने की बजाय इसके प्रति जागरूक होने और इसके लक्षणों को ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा यानी हेल्थ मंत्रा का संकल्प भी यही है कि समय समय पर आप तक हर वो जानकारी पहुंचाए जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैंसर का निदान। आपका डॉक्टर कैंसर के निदान के लिए एक या अधिक तरीकों का उपयोग कर सकता है, जैसे शारीरिक परीक्षा। आपका डॉक्टर आपके शरीर के क्षेत्रों में गांठ महसूस कर सकता है जो कैंसर का संकेत दे सकते हैं। प्रयोगशाला परीक्षण, जैसे मूत्र और रक्त परीक्षण आपके डॉक्टर को उन असामान्यताओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो कैंसर के कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ल्यूकीमिया वाले लोगों में एक सामान्य रक्त परीक्षण, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है, एक असामान्य संख्या या श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार को सामने ला सकता है। इमेजिंग परीक्षण। इमेजिंग परीक्षण द्वारा आपके डॉक्टर आपकी हड्डियों और आंतरिक अंगों की गैर आक्रामक तरीके से जांच करने की अनुमति देते हैं। कैंसर के निदान में उपयोग किए जाने वाले इमेजिंग परीक्षणों में कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, बोन स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे हम आमतौर पर MRI कहते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या PET स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे शामिल हो सकते हैं। बायोप्सी। बायोप्सी के दौरान आपका डॉक्टर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए कोशिकाओं का एक नमूना एकत्र करता है। नमूना एकत्र करने के कई तरीके हैं। आपके लिए कौन सी बायोप्सी प्रक्रिया सही है ये आपके कैंसर के प्रकार और उसके स्थान पर निर्भर करता है। ज्यादातर स्थितियों में निश्चित रूप से कैंसर का निदान करने का एकमात्र तरीका बायोप्सी ही है। कैंसर का इलाज। कैंसर के कई उपचार उपलब्ध हैं। आपके उपचार के विकल्प भी कई कारकों पर निर्भर करेंगे, जैसे कि आपके कैंसर का टाइप और स्टेज, आपका सामान्य स्वास्थ्य और आपकी प्राथमिकताएं। आप और आपका डॉक्टर मिलकर कैंसर उपचार के लाभों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ये तय कर सकते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। कैंसर के उपचार के विकल्पों में शामिल है सर्जरी। सर्जरी का लक्ष्य जितना संभव हो सके उतना कैंसर को शरीर से अलग करना है। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग करती है। रेडिएशन थेरेपी। विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए उच्च शक्ति वाले ऊर्जा बीम जैसे एक्सरे और प्रोटॉन का उपयोग करती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है। आपकी अस्थि मज्जा आपके हड्डियों के अंदर की सामग्री है जो रक्त कोशिकाओं को बनाती है। इम्यूनोथेरेपी, जिसे जैविक चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, कैंसर से लड़ने के लिए आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसका उपयोग करती है। कैंसर आपके शरीर में अनियंत्रित रूप से जीवित रह सकता है क्योंकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इसे घुसपैठिए के रूप में नहीं पहचान पाती। इम्यूनोथेरेपी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर को देखने और उस पर हमला करने में मदद कर सकती है। हार्मोन थेरेपी, शरीर से उन हार्मोन को हटाने या उनके प्रभाव को अवरुद्ध करने से कैंसर की कोशिकाओं का बढ़ना बंद हो सकता है। टारगेटेड ड्रग थेरेपी, ये उपचार कैंसर कोशिकाओं के भीतर उन खास असामान्यताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो उन्हें जीवित रहने की अनुमति देता है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत या लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो आपको चिंतित कर रहे हैं तो बिना किसी देरी के अपने स्वास्थ्य चिकित्सक के साथ एक अपॉइंटमेंट लें। इस बारे में पूछें कि आपके लिए कौन से कैंसर जांच परीक्षण और प्रक्रियाएं उपयुक्त हैं। याद रखें, कैंसर कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे में छुआछूत से नहीं फैलता। ऐसे में कैंसर के मरीज की सेवा में कमी ना करें। लोगों में एक भ्रांति है कि कैंसर जांच NFC या बायोप्सी आदि कराने से बढ़ता है। ये भी ठीक नहीं है, बल्कि जांच के बाद इलाज न करने से ये बढ़ता है। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा। नमस्कार।